स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट टू अनलीश। मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी बनाया गया था 1815 में महाराजा विनय सिंह अलवर द्वारा अपने पिता की याद में, जिनका नाम महाराजा भक्तावर सिंह था। ये उस टाइम की महारानी को डेडिकेटेड था जिनका नाम मूसी महारानी था। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है राजपूत आर्किटेक्ट का, जो कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और इसमें हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्ट स्टाइल भी है। ये सीन लोकेटेड है हिल टॉप पर, जो कि लुकिंग है अलवर की तरफ। इसका शेप जैसे किसी फ्लावर का हो और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इंट्रिकेट कार्विंग भी है। मूसी महारानी छतरी लोकेटेड है सिटी ऑफ अलवर में और ये सबके लिए ओपन है और इसमें एंट्री फी भी है। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है, तो कभी आप अलवर जाओ तो यहाँ जरूर जाना। सिलीसर लेक। सिलीसर लेक बनवाया गया था 18 सेंचुरी में महाराजा विनय सिंह अलवर द्वारा। ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बोटिंग और फिशिंग और पिकनिकिंग के लिए। ये लोकेटेड है अरावली हिल्स में, जो कि 7 किलोमीटर दूर है अलवर सिटी से। ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं बाय रोड। सिलेसर लेक एक बहुत ही लार्ज लेक है, जो कि कवर करता है 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये लेक कवर है सराउंडेड हिल और फॉरेस्ट से। ये बहुत ही खूबसूरत सीनरी क्रिएट करता है। अलवर जाओ तो इसे मिस मत करना, इस जगह को देख के आप बहुत खुश हो जाओगे। गराह पैलेस। गराह पैलेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है, जो की लोकेटेड है भैरोर अलवर राजस्थान में। गराह पैलेस बनवाया गया था 17 सेंचुरी में बाय महाराजा जय सिंह ऑफ अंबर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स है, जो कि राजपूत और मुगल आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये पैलेस लोकेटेड है टाउन ऑफ बहरोर में, जो कि लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है अलवर सिटी से। और अब ये पैलेस म्यूजियम बन चुका है, जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। गराह पैलेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है राजपूत आर्किटेक्ट का, जो कि बना हुआ है रेड सैंडस्टोन। इसका आर्किटेक्ट बेस है हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल पे। अलवर जाओ तो इसे मिस मत करना, ये बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री की बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो आप अलवर जाओ तो एक बार यहाँ जरूर जाना। और ऐसी किसी वीडियो के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और घंटी दबाना ना भूलिएगा।